हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो कैसे हो आप सब? काफ़ी टाइम के बाद आज दोबारा नया ब्लॉग शूट कर रहे हैं। काफ़ी थोड़ा सा बिजी हो गया था अपने ऑफिस वगैरह में, तो टाइम नहीं लग पा रहा था। तो आज फाइनली हम जा रहे हैं एक गाड़ी की डिलीवरी लेने। आपको जाके बताएंगे कि कौन सी गाड़ी ले रहे थे। अभी रेडी होने लगे, तो अभी रेडी हो लेते हैं, फिर चलते हैं, फिर आपको बताते हैं आगे का कि कैसे क्या रहता है सब कुछ। तो स्टे ट्यून्ड। सो गाइस, अभी हम जा रहे हैं पठानकोट। तो अभी रास्ते में काम चल रहा है NH का, तो सारा रास्ता वैसे ख़राब हुआ पड़ा है, उखड़ा पड़ा है, आप देख सकते हो। इतने ज़्यादा ट्रक लगे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ एक्सीडेंट हुआ है बस का और TUV का, जिसमें TUV की एक साइड तो ख़त्म हो गई है और बस का भी थोड़ा बहुत नुकसान हो गया आगे का। 4 लेन के चक्कर में आप देख सकते हो पहाड़ वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा कट रहे हैं, तो उसमें यह है कि अब इसमें लैंडस्लाइड वगैरह की दिक्कत ज़्यादा रहेगी और काफ़ी टाइम तक ये दिक्कत चलेगी, क्योंकि जब नए नए पहाड़ कटते हैं तो उनमें लैंडस्लाइड वगैरह के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो उससे बुरा काफ़ी रोड वगैरह की भी हालत ख़राब ही रहती है। अब ये रोड काफ़ी अच्छे होते थे पहले, पर अब जब से काम चला है 4 लेन का, सारे रोड ख़राब हो गए हैं। यहाँ पर टनल का काम चल रहा है जैसे, तो देख सकते हो टनल वगैरह का काम में भी काफ़ी प्रोग्रेस हो रही है जल्दी। सो फाइनली गाइज, अपनी गाड़ी आ चुकी है। काफ़ी टाइम से अपना ड्रीम था कि हाँ, मर्सिडीज़ लेने का। सो फाइनली आज वो ड्रीम पूरा हो चुका है। तो कुछ ऐसे नज़ारे हैं इसके यार, इतने चलाने में कंफर्टेबल है, क्या ही बताऊँ यार।